आज इस महासभा में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी और मंच पे उपस्थित हमारे सुरेश राणा जी, नीलम सोनकर जी, हमारे जयनाथ सिंह जी जिला अध्यक्ष, यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, अरुण कांत यादव जी, विनोद राय जी, सहजानंद राय जी, मार्कंडे राय जी, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह जी, मुन्ना दुबे जी, आदित्य राय जी, देवेंद्र सिंह जी, अखिलेश मिश्र गुड्डू भैया, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, लक्ष्मण मौर्य जी, श्री कृष्ण पाल जी, मंजू सरोज जी, कन्हैया निषाद जी, और यहां उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भोजपुरी में बोलत तो चली हो पक्का, तो सबकर गोड़ लगत है, हाथ उठा के आशीर्वाद दे डालो। ऐसे बहुत कम समय में हमन के देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में पहुंचे वाला हुआ, तो थोड़ा देर चुप हो जा लोग, ढेर बोले का टाइम ना, थोड़ा सा बोल ले बता लो, ठीक है? हाँ तो शांत हो जा लो। कौनो ऐसा गांव ना बा जोने गांव में हम आप लोग से मिले ना आए लो, सबके गांव में गांव आईली है ना, तो हमके जोन बोले के है वो तो हम लोग के गांव में आके ऑलरेडी हम बोल चुकल है, तो हम लोग सुन ले ले हवा। बस आज ए मंच से हम आप लोग के सिर्फ इतना कहल चाहत हैं कि जेकरे पास हम ना पहुंच पौले हो ओहू से आपन विचार हम कहल चाहत हैं, सिर्फ एक लाइन कहल चाहते हैं। भोजपुरी में ऐसे कहते हैं काहे कि भोजपुरी अमन के माई का भाषा है, और भोजपुरी में अमन का पालन पोषण भयल है, अमन का माई भोजपुरी में अमन के पलले हैं कि बेटा खाना खैला है, निरहुआ के देखला है, ता भोजपुरी भाषा में हमन पैदा भेल जा, हमन का कर्तव्य है कि अपने भाषा के लिए हमन काम कैल जा। दुनिया में हम कहीं जाइला एक बात कहिला, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतियाइया भोजपुरी में। दुनिया में जब सबकर विकास होत बा, हर भाषा का तूती बोलत बा, तो भोजपुरी का भी डंका बजे के चाही कि ना, बजे के चाही ना। हाँ तो भोजपुरी का डंका बजी कब, अगर तोहन लोग सुना गलत फहमी में पढ़ के, और अगर अखिलेश भैया के जितैबा लो, तो जीतले के बाद उ इटावा और मैनपुरी का बात करी, हाँ अगर निरहुआ जीती तो आजमगढ़ और भोजपुरी का बात करी। जितना बार आवल हमारे बड़का भैया अखिलेश यादव जी, उतना बार तोहन लोग के भूलवावल, झूठ बोलल, इटावा भी मेरा घर है, आजमगढ़ भी मेरा घर है। तनी उनसे पूछिया लोग कि अगर आजमगढ़ को अपना घर समझते हैं आप, तो सिर्फ जीतने के लिए क्यों आते हैं? जीतले के बाद याद ना आवेले,
जब जीते के होला तो आजमगढ़ याद आवेला, और जब बनावे के होला तो इटावा याद आवेला। तो तू झूठ बोलेला, मीठ मीठ बतियौले से काम ना चली, काम दिखावे के पड़ी। और ए बार आजमगढ़ इतिहास लिखे के तैयार हवाला, एक बार सबके वो हाथ उठा के बतावा, आजमगढ़ के बार इतिहास लिखे के हा। और बहुत हो गल कि भैया दे दा, भैया दे दा, भैया दे दा, ना आजमगढ़ का जोन हक है, जोन अधिकार है, वो मंगले ना मिली, छीना के पड़ी। और यही खातिर अमन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी निरहुआ के भेजले हुआ आजमगढ़, कि निरहुआ आजमगढ़ वालों को बता दो, सिमटी पाहों को खोले आजमगढ़, उड़ने का जब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। जो आजमगढ़ का हक है, अधिकार है, छीन लेंगे, छीने खातिर तैयार हुआ लोग, हाँ तो एकदम तैयार हो जा। वैसे एक बात ही जान ला लोग कि जो गठबंधन का लोग हवा, चुनाव से पहले ही 6 दिन पहले हार मान लेला, ये बात पता है कि ना? तो हम लोग के पता है ना, क्रिकेट खेला ला लोग, क्रिकेट क्रिकेटवा में 2 पार्टी रह ले, तो जो हारे लगे ले वो मारे लगे ले, है ना? तो आप गठबंधन के लोग जब जान गए ना कि कहो भैया हमान तो ऊपर हाथ मिला ले ली जा, आई नीचवा जो के वो टवा देवे के आई कुल तो मिलते ना हुआ, ये तो कुल निरहुआ के साथे हो गए ना, तो घबराए घबराए के और जाके कहीं दलित बस्ती में, कहीं चौहान बस्ती में हमला करत हुआ, बंदूक दिखावत हुआ, और बंदूक दिखा के कहत हुआ कि आई झंडा उतारा, लेकिन बस एक बात बोलत है, एकरे बात कुछ ना, एक बात बता दिया कि अब तो हम लोग का गुंडई ना चली। काहे महाराज जी हमके यही से भेजले वहां आजमगढ़, कि फिलिमिया में बड़ा गुंडन का इलाज कैला, अब तनी है आजमगढ़ में गुंडन का इलाज करे के हा। तो तुम लोग जानत हुआ ना, जब हम फिलिमिया में गुंडा लोग के छोड़बे न करीला, तो घरवा छोड़ब, डंट के बूथ पे खड़ा हो जाइया लोग 12 तारीख के, और खाली अपन वोट दे के अपन जिम्मेदारी खत्म मत समझिया। जब तक एक एक वोट ना पड़ जाए तब तक बूथ पे खड़ा रहे के है। काहे काहे कि 12 तारीख के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। बस ज्यादा कुछ ना बोला, बाकी तो रोज तो हम लोग के गहुआ में आके बोलते हैं, सुन ले हवा लोग, बस इतने करिया लोग कि अपन फर्ज निभा दिया लोग, केहू को सुन के ना, सिर्फ अपने दिल को सुन के। अगर सबके लगा था, पूरे देश चाहा था, वह आजमगढ़ चाहा था, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आखिरी, राजा बाबू दखले वाला लोग के दखले हाथ उठा के बतावा। तो राजा बाबू में रवि किशन भैया हमसे सवाल पूछल, आज हम एक सवाल पूछत हैं तो हम लोग से, अगर सही जवाब देवा तो इनाम भी मिली, ठीक है? सिर्फ एक सवाल, सब क्यों हाथ उठा के बताई, 2019 में के बने के चाहिए भारत का प्रधानमंत्री? एकदम सही, तोहन लोग का जवाब एकदम सही है, और तोहन लोग के इनाम मिला था ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगन के,
और एक बार फिर से हम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करत है। अच्छा गाना, ओके ओके, हाँ अरे हम तो भुला ही गई नहीं, अरे बाप रे बाप, सुना लो बहनी लोग चाची लोग, तो उन लोग कभी घाम में गैल ललिए जा अन्नी रहुआ खाली भाषण दे देला सा, तो एक लाइन गावत है तोहनो लोग जइया बुथवा पर तक गावत जइया कि चलाए सखी ओट देवे, चलाए बहिनी ओट देवे, अरे चलाओ भैया ओट देवे, कमल निशान पे चलाए बहिनी ओट देवे, कमल निशान पे चलाओ सखी वोट देवे। बोला भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई निरहुआ जी, आप के जज्बे से जैसा लगा, जो जज्बा आपके अंदर में देख रहा हूँ इस चिलचिलाती धूप में, इस बात का सबूत है कि अब आजमगढ़ के लोग रुकने वाले नहीं है, सीधे दिल्ली पहुँचा करके नीलम सोनकर और निरहुआ को ही दम लेने वाले हैं। साथियों, अब हम आपके बीच में हमारी मेहनगर की प्रत्याशी रही मंजू सरोज से मैं चाहूँगा कि भाई दो मिनट में बिना केवल महाराज जी का नाम लेकर के मुख्यमंत्री जी का, बाकी सीधे अपनी बात स्पीच शुरू करें। मंजू सरोज जी से मैं चाह रहा हूं कि तुरंत आए और दो मिनट में अपनी बात को रखें। माननीय मंजू सरोज।